Hello students, welcome to your English class. Today we are going to study about English translation and our today's topic is present perfect tense. As we already read about simple present tense, present continuous tense, then after these two topics we are going to discuss about present perfect tense. हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिया है और आज मैं हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं. इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद आप लोगों को इसका नोट्स भेज दिया जाएगा. ओके, नाउ लेट्स गो. परफेक्ट टेंस, यहाँ हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये टेंस हमारा जो कि प्रेजेंट का है और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है. इसका मतलब है कि वैसा टेंस जो अपने में सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट होता है बट उसका कुछ ना कुछ जो इफ़ेक्ट होता है, उसका असर होता है, वो अभी तत्काल में जिस टाइम हम लोग बोलने का काम करते हैं उस टाइम उसका इफ़ेक्ट मीन्स कुछ ना कुछ असर उसका बाकी होता है. तो वैसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं. ठीक है, जो प्रेजेंट में ही माना जाता है बट वो परफेक्ट, वो काम कंप्लीट हो चुका होता है. ठीक है, तो इस टेंस के वाक्यों की पहचान. अब इस टेंस में हिंदी में अगर कोई टेंस दिया हुआ है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? क्योंकि जब तक उसका हम हिंदी नहीं समझेंगे किस टेंस का है, तब तक उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, है ना? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से टेंस का है. तो कैसे समझेंगे हिंदी? तो हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस होगा, हिंदी वाक्य होगा, तो उसके वर्ब जो होगा ना, उसके लास्ट में हिंदी क्रिया जो होगा उसके लास्ट में लगा हुआ रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लास्ट में आ है, जैसे मैंने खाया है, खाई है, ई है लास्ट में, आए हैं, ए है लास्ट में. तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ई है, ईटीसी, तो ए है. इस तरीके से लगकर लास्ट में किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा ये सब में से कोई, या फिर ऐसा ही कुछ, तो वो समझ लेना है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है बट उसका इफ़ेक्ट जो है, असर जो है, वो अभी तक है, बाकी है. तो वैसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जा चुका हूँ, यहाँ चुका हूँ लास्ट में है और हूँ है वाला है, हूँ है, ये सब वर्ड प्रेजेंट का होता है. तो ये से समझ में आता है ये प्रेजेंट का है. और जहाँ चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, आए हैं लास्ट में, ए है, ये सब आया, तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हिंदी का, है ना? तो अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश में कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसमें लगता है, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है. तो इसका हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट, अब यहाँ समझना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है ना? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स कोई भी थर्ड पर्सन में हो, ऐसा सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन में हो बट सिंगुलर नंबर हो, उसके साथ हैज़ का यूज़ होता हैज़, है ना? जैसे ही के साथ हैज़, ही हैज़, सी के साथ हैज़, सी हैज़, इट हैज़, या फिर कोई भी एक नाम रहेगा जैसे राम, है ना, राम हैज़, श्याम हैज़, इस तरीके से कोई भी एक नाम, माई फादर हैज़, तो माई मदर हैज़, तो इस तरीके से कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वैसे वर्ड्स में हैज़ का यूज़ ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर रहे तो. ओके, नाउ बाकी सब के साथ, जो बाकी सब जो सब्जेक्ट होते हैं रेस्ट ऑल, तो वे सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है, हैव लगा देना है. आई होप आप समझ रहे होंगे. जैसे एग्जांपल, वी हैव, यू हैव, दे हैव, या फिर कोई प्लूरल नेम राम एंड श्याम हैव, है ना? तो इस तरीके से कोई सेंटेंस रहेगा, सॉरी कोई सब्जेक्ट रहेगा जो प्लूरल में रहेगा, है ना, या फिर कोई भी सेंटेंस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, तो वो सब के साथ हैव का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस. दिस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग रूल्स कैसे बनाया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर.
ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि स्ट्रक्चर जो इसके होते हैं, जैसा कि हर ट्रांसलेशन में मैं आप लोगों को लगभग 6 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसमें कोई नो, नेवर, क्वेश्चन ये सब कुछ नहीं होता, जो बिल्कुल सकारात्मक होता है ना। तो वैसे सेंटेंस जो परफेक्ट में, और वो जो अगर परफेक्ट में है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट को लिखना है ना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे पीछे बताया गया कहाँ पर हैज़ का और कहाँ पर हैव का यूज़ करना है, ओके। और जस्ट इसके जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है, कौन जा चुका है? तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। देन मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का आई, आई के साथ हैव का यूज़ होता है। बस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हैज़ का यूज़ होता है, बता दिया गया है, है ना। तो आई के साथ हैव का यूज़ होता है, है ना। तो आई हैव, और जाना का होता है गो, और यहाँ वर्ब का किस कौन से फॉर्म को लगाना है? तो थर्ड फॉर्म को लगाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जाना का थर्ड फॉर्म गोन होता है, तो आई हैव गोन। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो होगा, वह क्रिकेट खेल चुका है, मीन्स उसका क्रिकेट खेलने का काम अभी जारी नहीं है, अभी क्रिकेट खेलने का काम ख़त्म हो चुका है, अब वो खेलने की स्थिति में नहीं है, ये यहाँ शो कर रहा है। मीन्स अभी असर बाकी है, खेल के अभी जस्ट आया है। तो इसका क्या बन जाएगा? वह का होता है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो ही हैज़ क्रिकेट का खेलना का होता है प्लेड, है ना, प्लेड। तो ही हैज़ प्लेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म जो लगता है ना खेलना का प्ले, उसका तीसरा फॉर्म प्लेड। तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया।